हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू द बिग क्वालिफायर गेम। ये गेम होगा चेन्नई और गुजरात के बीच। एंड नहीं, ये गलती नहीं है कि ये स्क्रीनशॉट सडनली आपको इस वीडियो के साइड में दिख रहा है। ये एक्चुअली इंटेंशनल है, क्योंकि आप सबके प्यार के रिटर्न में आपके लिए, जहाँ पे आपको मिलेगा एक फ्री टिकट ऑन फैन टू प्ले। जैसे आप साइन अप कर लोगे विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चाहे आप नए यूजर हो पुराने यूजर हो, आपको मिल जाएगा ये फ्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका, जहाँ 3 स्पॉट्स है। तो एटलीस्ट 1 out of 3 इन FCB फैमिली विल प्रॉस्पर। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग एंट्री लेंगे इसमें, तो आई होप आप सब पार्टिसिपेट करें। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जैसे साइन अप कर लोगे एंड इस गेम के सेक्शन में जाओगे, आपको दिख जाएगा ये कॉन्टेस्ट। एंड निखिल भाई, कैसे हो आप एंड क्या लगता है आपको आज के गेम के बारे में? Phew, thank you so much everyone for always tuning in and for supporting right through the season. Thank you for the support. आगे भी करते रहेगा, 4 गेम बचे हैं। जब आपको आपकी हमारी बकवास सुननी है तो थैंक यू वो सुनने के लिए। थोड़ा कभी कभी अनरीजनेबल और कभी कभी बहुत अच्छा गया है। सीधा सीधा ऐसा भी है कि फॉर्म से मस्ती नहीं करनी पर गट फील को बैक करना है, तो आई थिंक वो करते रहेंगे तो होपफुली जो बचे के 4 गेम IPL के वो भी बढ़िया रहेंगे। क्योंकि याद रखें तो जो ब्लास्ट का पहला प्रीव्यू किया था हमने वो भी ऑलमोस्ट वेंट द वे दैट वी थॉट इट वुड। जो लगातार रन करेगा उसने किया, जो लगातार विकेट लेगा उसने भी लिया। तो कभी कभी होता है कि वीडियो की जो टीम होती है वो बेस्ट होती है, पोस्ट टॉस चेंज करते हैं तो फिर दुनिया इधर उधर हो जाती है, बट अगेन वी कीप ट्राइंग। यस एब्सोल्युटली, यही होगा मकसद। एंड उसी पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करेंगे, वेन्यू कंडीशंस के साथ। तो गेम खेला जाएगा एट चेपॉक एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि हम दोनों किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे महाशय जो यहाँ पे हमारे साथ है वही कलर में है, तो हमें पता है कि किस टीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं कल। एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग ट्रैक रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ गेम में रन भी बने हैं, कुछ गेम में ट्रैक भी फ्लैट रहा है। तो टोटली डिपेंड करेगा कि क्या फ्रेश पिच होगी कल या एक्चुअली यूज ट्रैक होगा। तो निखिल भाई, क्या लगता है आपको, अनदर स्लो ड्राई डेक या फ्रेश ट्रैक फॉर द प्लेऑफ्स? या एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यूजुअली आपको प्लेऑफ में यू सी फ्रेश डेक्स, और एक्चुअली देखा जाए तो चेन्नई भी यही चाहेगी कि फ्रेश डेक हो, क्योंकि स्पिन के सामने चेन्नई खुद भी कभी कभी रुक रुक सी गई है। तो और भले गुजरात के दो ही पर मतलब एक राशिद है दूसरा छोटा राशिद, एंड आई विल नॉट रूल आउट गुजरात प्लेइंग साई वर्सेस चेन्नई। दे मे नॉट डू इट बट दे कैन पोटेंशियली डू इट, सो वेरी कीन टू सी हाउ दैट एस्पेक्ट गोज। तो अगर थोड़ा फ्लैट डेक रहेगा तो देन इट इज अ केस ऑफ ट्राइंग टू बैट, एंड चेन्नई के पास बैटिंग तो डीप है फॉर टू कॉम्बैट दोज कंडीशंस। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पिच रिपोर्ट विल डिसाइड एवरीथिंग। ये गेम एकदम स्ट्रेट है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल लीग, जो 7-8 प्लेयर हैं सभी के पास होंगे, तो पिच के हिसाब से ही यू विल हैव टू चेंज योर गट फील कॉल्स। यस एब्सोल्युटली, वही रहेगा आज का केस। पिच विल प्ले द क्रूशल पार्ट। एंड जैसे हम देख रहे हैं इस सीजन के स्टैट के हिसाब से, यहाँ पर कोई भी डोमिनेंस नहीं रहा है, चाहे बैट फर्स्ट या बैट सेकंड इक्वली रहा है। एंड आप ये भी देख रहे हो कि पेस एंड स्पिन को भी विकेट सॉर्ट ऑफ इक्वली मिले। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिन कभी कभार ज्यादा ओवर्स डालते हैं इन कंपेरिजन टू पेस। तो अगर पेसर्स ने कम ओवर्स में ही उतने विकेट्स लिए, दैट इज अ साइन फॉर यू ऑफ वॉट माइट बी फॉर थिंग्स टू कम। एंड एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे हैज बीन 172। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर गुड ट्रैक रहा तो 170 to 180 बन सकता है, वेल अगर ट्रैक थोड़ा स्लो रहा देन द स्कोर माइट बी अबाउट 150-ish। तो ये रहे आज के वेन्यू कंडीशंस। एंड अब चलते हैं बेस टीम की तरफ। तो बेस टीम की तरफ चलते हैं एंड स्टार्ट करेंगे सीधा कीपिंग सेक्शन से, जहां पे है आपके पास आपके सबसे क्रूशल चॉइसेस इन डेविन कॉनवे एंड रिद्धिमान साह। दोनों अच्छे टच में चल रहे हैं। एंड निखिल भाई, आपको क्या लगता है, आप इन दोनों में से किसी पर रिस्क लोगे? क्योंकि शमी एंड कॉनवे का तो एक मैचअप ही है जहाँ पे वो 2 बार आउट हो चुके हैं एंड वाइल 8 बॉल दिया है बट 3 रन ही मारे हैं। तो बट यहाँ पे आई डोंट नो अगर शमी को हेल्प मिलेगी इस ट्रैक से या नहीं। हाँ बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैंने कहा पिच पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, तो आई थिंक होंगे तो सभी के टीम में। हाँ कॉल ये होगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बनाना है या नहीं बनाना है, दैट इज समथिंग टू टेक इनटू कंसीडरेशन। आई थिंक अगर चेज होगा तो आई बी मोर कॉन्फिडेंट ऑफ कॉनवे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग हिम ए वाइस कैप्टन और इवन अ कैप्टन, क्योंकि जब टारगेट पता होता है तो ही प्लेज वेरी वेरी डिफरेंटली एज अपोज टू
टेकिंग अ फ्यू मोर रिस्क जब वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो वो रिस्क आई थिंक दोनों के साथ है। कॉनवे वो स्टेबल ऑप्शन है, साहा थोड़ा और ज्यादा रिस्की ऑप्शन है, तो अगर आपको लगता है कि साहा ज्यादा शॉट्स खेलेंगे, बट देखिए चेन्नई का एक जो हमारा पेन पॉइंट या ये रहा है कि स्पिन आई नहीं है पावर प्ले, तो अगर पेस को अगर पड़ रही है शुरू में तो फिर साहा गिल ऑफकोर्स स्कोर करेंगे, कि अगर इंग्लिश में स्लो भी होते हैं तो भी तब तक 20-25 तो स्कोर कर लिया होगा दोनों ने, तो दैट इज द मैचअप। और अगर आई नो ये नहीं होगा बट आई वॉन्ट सैंड टू प्ले एंड देन ओपन द बोली। यस, वो हुआ तो अच्छा रहेगा। एज हमने देखा अब तक कि मोइन अली इवन दो खेल रहे हैं हर गेम में, उनका रोल कुछ अच्छा खासा रहा नहीं है, वो कुछ गेम में डाल रहे हैं कुछ गेम में नहीं डाल रहे हैं, तो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे ट्रीट किया जाता है एज फार एज प्लेइंग 11 फॉर दिस गेम इज कंसर्न। बैटिंग सेक्शन में आपकी सबसे ऑब्वियस चॉइसेस गिल, गायकवाड एंड आई एम हैप्पी टू से ऑब्वियस चॉइस फॉर दिस सीजन ऑल्सो शिवम दुबे जैसे फॉर्म में चल रहे हैं, एंड सामने स्पिनर्स हैं जिसका मतलब है वापस रोल इम्पोर्टेंट रहेगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी ध्यान रखने लायक होगा कि राशिद नूर को अपने ज्यादातर विकेट्स ऑन द स्टंप्स मिलते हैं, LBW बोल्ड या कॉट आउट स्ट्रेट एट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, जिसका मतलब ये भी है कि दुबे जैसे प्लेयर हैं जैसे ही आप उनको ऑफ साइड पर बॉल डालते हो उनको तकलीफ होती है, बट जब आप स्टंप के लाइन में होते हो एंड अगर बॉल उनके पाले में है तो फिर वो जाएगी ग्राउंड के बाहर, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा क्योंकि वो डालेंगे तो स्लॉट में, बट हमको पता है कि ये दोनों ऐसे बॉलर्स हैं कि वो वहां भी डाल के उनको चैलेंज करेंगे, तो दिस आई फील विल बी द बैटल ऑफ एट्रिशन फॉर दिस गेम विच कैन डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स की किस तरफ ये किस टीम की तरफ ये गेम जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और देखो यही है कि आप सोचोगे कि दैट इज वॉट वी हैव ऑल थॉट फॉर शिवम राइट थ्रू द सीजन, कि यहाँ पे डालेंगे आउट हो जाएंगे, बट शिवम इज फाउंड अ वे। अब वही है कि देखो अगर वो एक सिंगल लेके अनाउंस रन पे चले जाते हैं एंड ही गेट्स वन बाउंड्री देन डजंट रिस्क, तो वो हमने मेच्योरिटी देखी है इस साल शिवम के साथ, तो मेरे हिसाब से एंट्री पॉइंट बहुत क्रूशल हो जाएगा इस गेम में। फिर से गायकवाड और कॉनवे का जो स्टार्ट है, क्योंकि जैसे हमने देखा अगेंस्ट मुंबई एंड इवन अगेंस्ट बैंगलोर, यू हैव टू मेक राशिद एंड नूर बोल अर्लियर, मतलब आप अगर गुजरात का प्लान डिस्टर्ब नहीं करोगे तो गुजरात तो फिर भाई 12वें 13वें ओवर के बाद मोहित शर्मा को लेके आएगी कि अभी तू विकेट ले ले जितने चाहिए। सो वेरी कीन टू सी हाउ चेन्नई आउट थिंक, क्योंकि चेन्नई इज ए टीम जो सेम टीम खेलती है, ज्यादा मस्ती नहीं करती है, बट एट टाइम्स वी हैव सीन एमएस टेक सम वेरी स्ट्रेंज कॉल्स जो अगर चल जाते हैं तो दे आर मास्टर स्ट्रोक एंड रिमेम्बर्ड फॉर इयर्स, तो क्या पता कल एक और वैसा दिन हो। यस, वेरी मच पॉसिबल, एंड एज हम सब अच्छे बैटर्स की बात कर ही रहे हैं, याद रखिएगा कि एक साइन बैट भी है आपके लिए स्पेशली इस गेम में रैरियो पर। आप जैसे साइन अप कर लोगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप पार्टिसिपेट कर पाओगे इस कॉन्टेस्ट में, जहां या तो फैफ वॉर्नर वन ऑफ दीज प्लेयर्स का आपको मिल जाएगा साइन बैट। आपको सिंपली पार्टिसिपेट करना है फ्री कॉन्टेस्ट में, एंड 1600 साइन अप बोनस भी है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मिस मत करिएगा। एंड अब चलते हैं आगे की सेक्शन की तरफ, तो ऑलराउंडर्स में बात करेंगे तो वापस दो ऑब्वियस चॉइसेस है, जडेजा एंड हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या ने ज्यादा बॉलिंग की नहीं है लास्ट कुछ गेम्स से, बैटिंग भी मतलब अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं, तो ये भी मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मोइन अली जितने ही ट्रिकी पिक है, बट क्योंकि स्पिन अच्छा खेलते हैं ऐसा नहीं है कि आप उनको इजिली छोड़ दो, क्योंकि अगर स्टार्ट अच्छी नहीं रही तो वापस वो जल्दी आ जाएंगे। और उनका रोल भी अगर आप देखें तो ऐसा है कि ही इज समबडी हु could anchor, you know, he could get himself to a 45-50 and then, but इधर एक ही caveat है और शायद इस game का सबसे बड़ा risk हो कि if he bowls, if Jadeja bowls to him early, तो 16 ball में 18 रन देके दो बार आउट किए और उसके बाद पाथीराना का शायद पहला दूसरा विकेट थे हार्दिक पांड्या, पहला विकेट शुभमन गिल थे, तो caveat that you have to एकदम bang on होना पड़ेगा कि भाई Jadeja आए और जडेजा नहीं आए तो पाथीराना आए तो फिर उनको जल्दी आउट कर ले, क्योंकि नहीं तो होंगे तो सभी के टीम में। हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉल मेरे हिसाब से अब ट्रिकी हो गया है क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर रहे, पर मुझे फिर भी लगता है वैल्यू है और वो रिस्क नहीं लेंगे अगर जल्दी विकेट गिरती है तो। एंड अगेन द पॉइंट इज कि अगर इफ ही स्टार्ट्स वर्सेस पेस तो शुरुआत मिल जाती है, तो लेट्स सी, आई थिंक पिक तो डेफिनेटली सबके टीम में होंगे, शायद कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए वी विल हैव टू थिंक अ बिट। यस, एब्सोल्युटली, एंड बाकी तो जो ऑलराउंडर्स है, मोइन अली जैसे हमने कहा रोल की तकलीफ है, शाना का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पेसर आ जाएगा इस गेम में, लिटिल या अल्जारी जोसेफ, क्योंकि जैसे हमने दुबे की बात की, अगर
एक चीज है जो उनको चैलेंज करेगी वो ये एक स्टीप बाउंसर जो हमने देखी नहीं है लास्ट कुछ गेम से उनके सामने, तो पॉसिबल है कि वहां पर एक पेसर खिलाया जाए, बट टोटली कंडीशंस डिपेंडेंट। एंड बॉलिंग सेक्शन में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस है, राशिद, पथिराना, मोहम्मद शमी एंड नूर अहमद। कोई रीजन नहीं आपको यहाँ पे रिस्क लेने का, क्योंकि जो दूसरे बॉलर है थीक्षाना कुछ खास फॉर्म में नहीं है। मोहित शर्मा स्टार्टिंग में अच्छा कर रहे थे, लास्ट कुछ गेम से इतने ज्यादा विकेट्स नहीं मिले, बट आई थिंक ओके ठीक है, आगे के लिए बचा के रखते हैं। बट यहाँ पे मेरे लिए एक प्लेयर है जो मैं निखिल भाई के साथ भी डिस्कस कर रहा था बिफोर द गेम, वो है दीपक चहर। आई नो आप स्कोर कार्ड देखोगे तो लास्ट कुछ गेम से 3 विकेट 2 विकेट विकेट्स उनके आ रहे हैं, बट अगर आपने डिसमिसल्स देखे हो तो मोस्ट ऑफ द लाइक जो केकेआर वाला गेम था वहां पे वो डिसमिसल्स आए थे थर्ड मैन पे एज पर। वो एक अनयूजुअल फील्डिंग पोजीशन है, वहां पे हम वैसे फील्डर देखते भी नहीं है। एंड फिर जो दिल्ली वाला गेम भी था वहां पे भी 2.4 ओवर्स तक उनको अच्छी खासी मार पड़ी थी, एंड फिर सडनली आके वो 2 विकेट उनको मिल गए थे ऑफ द नकल बॉल। बट क्या ऐसा हर गेम में होगा, स्पेशली अगेंस्ट इनफॉर्म टीम इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली केकेआर दे आर नोन थ्रू द सीजन कि वो इरेगुलरली इधर उधर एक विकेट फेंक देंगे। बट क्या मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन गिल या सहा से रख रहा हूँ? मे बी नॉट, सो हेंस अभी के लिए वो टीम में नहीं है। बिल्कुल, और आपको रखना है तो आप रख भी सकते हो इन टर्म्स ऑफ यू हैव टू ड्रॉप वन ऑफ द ओपनर्स, और सहा रिस्क ले रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि नहीं सहा रिस्क लेंगे और दीपक का वो चल जाएगा, तो सी द थिंग विद दीपक इज ही समबडी हु यूजुअली एंड्स अप टेकिंग 2-3, उनको अगर एक जल्दी मिल जाता है तो। सो दैट इज द ओनली रिस्क विद हिम, कि जो आप कभी कभी बोलते हो कि हाँ ये प्लेयर का मैक्सिमम कितना पोटेंशियल है 2-3 विकेट लेने का, तो दीपक चहर का है वैसा कि वो बहुत बार 2-3 विकेट लेते हैं एज अपोज टू जस्ट वन। सो ऑफ कोर्स इवेंचुअली जैसे मैंने कहा प्लेन वनीला गेम है, थोड़ा आपको हटके कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना तो यू कैन ऑब्वियसली बैक द सेम कॉम्बिनेशन एंड जस्ट होप इट कम्स ट्रू। यस एब्सोल्युटली। एंड हम कुछ हटके करने की बात कर रहे हैं तो ये भी आप एक चीज हटके कर सकते हो कि Exchange22 पे आप जाके ले लो मोहित शर्मा एंड नूर अहमद को, क्योंकि काफी रीजनेबली प्राइस्ड है एंड वापस आपको एक आध विकेट निकाल के दे देंगे, तो आप क्लोज टू कॉस्ट एंड 2 विकेट तो फिर चांदी ही है। ऑब्वियसली सिचुएशनल है, मोहित शर्मा फर्स्ट बॉलिंग, नूर अहमद सेकेंड बॉलिंग, एंड पथिराना को भी आप ट्राई कर सकते हो वाइल हिज बॉलिंग फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि उनका फॉर्म कुछ ऐसा ही चल रहा है। एंड उसके अलावा आप पूछोगे कि ठीक है आपने यहाँ तो बता दिया कि क्या करना है, बट अगर टॉस के बाद आपका मन बदल गया तो आपको कहाँ मिले, तो आप यहाँ मिल सकते हो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। तो जो फाइनल कॉल्स है जो हमें लगता है आफ्टर द पिच रिपोर्ट, क्योंकि पिच रिपोर्ट बहुत क्रूशल होगी इस गेम में कि क्या करना चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे पोस्ट द टॉस, तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ। एंड ग्रैंड लीग ऑप्शंस के पहले कुछ थोड़ा सा स्पेशल आप सबके लिए, जैसे हमने प्रॉमिस किया था जर्सी गिव अवे के विनर्स हम इस गेम में अनाउंस करेंगे, एंड वो विनर्स है क्रिकेट फैन जिन्होंने जॉनी बेस्टो काफी क्लोजली प्रेडिक्ट किया था, आई थिंक 7 बनाए थे एंड यहाँ पे 5 का उनका प्रेडिक्शन था, वाइल निखिल भाई के चैनल पर 12 रन प्रेडिक्ट किया गया था वो भी काफी क्लोज एक प्रेडिक्शन। तो आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमें मैसेज कर सकते हो ट्विटर DM पे अपने एड्रेस डिटेल्स के साथ, एंड जर्सी आपको पहुंचा देंगे जल्दी से जल्दी। एंड ऑब्वियसली क्वालिफायर वन है तो इस गेम में भी एक जर्सी गिव अवे होगा, एंड क्वेश्चन है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको क्या लगता है कितने विकेट्स लेंगे राशिद खान? मेंशन कर लो जो फॉर्मेट में जैसे वहां पे 2 for 21 लिखा है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कितने विकेट्स लेंगे वो। एंड नो मल्टीपल कॉमेंट्स, नो एडिटेड कॉमेंट्स, जो फर्स्ट है जो सबसे क्लोजेस्ट है वही जीतेगा, एंड वही है रूल। एंड अब चलते हैं GL ऑप्शंस की तरफ। निखिल भाई कौन है आपके वो 2 पिक्स? तो ग्रैंड लीग ऑप्शन की बात करें तो एक ऑप्शन तो मैंने पहले ही बताया था, सैंडर खेलते हैं तो डेफिनेटली उन्हें ट्राई करूंगा मैं। बहुत सारे राइटीज हैं गुजरात के पास तो उनको टारगेट कर सकते हैं वो। टू गो विद एन ऑप्शन दैट इज ऑलरेडी देयर इन द बेस टीम, गायकवाड, 3 गेम 3 50 मारे अगेंस्ट गुजरात, 1 90 1 70 और 1 50 का स्कोर है, तो थ्रेट हमें पता है लेफ्ट आर्म थ्रेट होता है, पर दयाल खेल रहे हैं, शुरू में डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, लिटिल खेल रहे हैं नहीं डाल रहे, उनको देख के कंडीशंस को देख के यू कैन डेफिनेटली टेक अ कॉल ऑन हिम। पिछले गेम में ऐसा लग रहा था कि भाई सेंचुरी आ जाएगी, क्लीन हिटिंग थी वो, तो समबडी दैट यू कैन डेफिनेटली बैंक ऑन। तो गायकवाड़ मेरे एक ऑप्शन रहेंगे सेंटर के अलावा टू बैक फ्रॉम चेन्नई। गुजरात से बात करें तो भाई पूरी टीम ही इतनी स्ट्रांग है कि आप
ग्रैंड लीग ऑप्शन के लिए भी एक ऑब्वियस पिक लेना पड़ता है, तो जो है डेविड मिलर, ही लव्स टू स्कोर इन चेजेस स्पेशली, और अब तक मिलर स्पेशल आया नहीं, तो या तो क्वालिफायर वन या तो उसके आगे किधर मैच में, किधर ना किधर तो वो आएगा, क्योंकि नहीं आता है और फिर भी गुजरात जीत जाती है, तो हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि इट विल बी इनक्रेडिबल फॉर अ साइड टू डिफेंड टू टाइटल्स इन देयर फर्स्ट टू सीजंस. तो मिलर और गायकवाड, देखो दो बैटर्स को बैक कर रहा हूँ, हाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड. यस, ऐसा ही कुछ सीजन रहा है. मेरे इस गेम में चेन्नई से कोई पिक्स नहीं है, एज ऑब्वियसली चेन्नई सपोर्टर हैं तो इमोशनली कोई पिक नहीं करेंगे इस गेम में. जीएल पिक्स जो है वो इस गेम में जीटी से. सो एक साइड पे नूर, अगर वो सेकंड बॉलिंग करते हैं तो जरूर उन्हें बैक करूंगा, एज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिच में भी थोड़ा स्लो डाउन कर जाए. वाइल्ड फ्रॉम द जीटी साइड ऑफ थिंग्स, इफ दे बॉल फर्स्ट, मैं मोहित शर्मा को बैक करूंगा. एज हमने देखा है कि आफ्टर दुबे, ऋतु एंड कॉनवे, कभी कभार लोअर ऑर्डर में तकलीफें हुई है रन बनने के हिसाब से, स्पेशली जब धोनी लेट आ रहे हैं, तो वो हिसाब से अगर धोनी लेट आए तो फिर मोहित शर्मा वहां पे बीच में राइडू एंड दूसरे आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स को टारगेट कर सकते हैं. एंड क्या पता जितना वो धोनी के साथ खेले, मे बी ही हैज अ ट्रिक अप हिज स्लीव फॉर हिम ऑल्सो. सो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो फेस कैसा जाता है. उसके अलावा जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए, एंड इंश्योर कि आप ज्वाइन करें ये फ्री टिकट, स्पेशली आप सबके लिए है ये. एंड आप सब एफसीपी यूजर्स, जो भी आप जैसे साइन अप कर लोगे आपको ये पूरा एक्सेस मिल जाएगा. अगर आप ओल्ड यूजर भी हो तो आप खाली आके आपको खेलना है, चाहे आपने साइन अप एक साल पहले किया हो या एक दिन पहले, तो जरूर खेलेगा. एंड याद रखिएगा कि वाइल्ड फ्री कॉन्टेस्ट तो आप सबके लिए है ही, एंड फ्री कॉन्टेस्ट में कोई रिस्क नहीं है, बट उसके अलावा जो पेड कॉन्टेस्ट है वहाँ पे देर मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की. तो रिस्पॉन्सिबली खेलेगा, एंड जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए. स्टे सब्सक्राइब्ड एंड कीप हिटिंग द लाइक बटन प्लीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट प्रीव्यू वेरी सून.